एक बार फिर से चर्चा में है। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों, कॉरपोरेटों और अधिकारियों के बीच कथित लेनदेन की विशेष जांच दल से जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। बता दें कि इस याचिका में चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में SIT के जरिए जाँच का अनुरोध किया गया है। साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से पता चला है कि ज्यादातर कॉरपोरेटों ने लाभ के लिए या केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया था। इसके साथ ही इस याचिका में कहा गया है कि डेटा से सामने आया है कि प्राइवेट कंपनी ने केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई से बचने के लिए दलों को पैसा दिया है। कई मामले में देखा गया है कि केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दलों ने नीति और कानून में बदलाव प्राइवेट कॉरपोरेटों को लाभ देने के लिए किए थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को असंवैधानिक करार दिया था और अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों, कॉरपोरेटों और अधिकारियों के बीच कथित लेनदेन की विशेष जांच दल से जांच कराने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करने जा रहा है।